ग्रेटर जयपुर नगर निगम के लिए बड़ी खबर। कार्यवाहक महापौर शील धाबाई का बढ़ाया कार्यकाल। राज्य सरकार ने 2 महीने के लिए और बढ़ाया कार्यकाल। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि इसके लिए पूछा भी गया था शांति धारीवाल से कि क्या और कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, और उन्हीं पर यह जिम्मा था कि क्या अब उनका कार्यकाल बढ़ेगा, क्योंकि जो कार्यवाहक होता है उसका 60 दिन का कार्यकाल होता है। हालांकि इसको बढ़ाया भी जाता है और अब ये जो है बढ़ा दिया गया है। और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 7 जून की देर रात सौम्या गुर्जर सहित 3 पार्षदों का निलंबन किया गया था। उसके बाद जो है शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी गई थी। इनका कार्यकाल 6 अगस्त को समाप्त होने वाला है। उसी के मद्देनजर पहले ही इन्होंने आदेश जारी करके 60 दिन का कार्यकाल और बढ़ाया है। और जो नगर पालिका जो एक्ट है उसमें सरकार को पावर है कि वो समय समय पर महापौर के जो कार्यवाहक महापौर है या कार्यवाहक अध्यक्ष या सभापति है उनका कार्यकाल बढ़ा सकती है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी बार बढ़ा सकती है। सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जब चाहे तब जो है कार्यवाहक महापौर की कार्यकाल की अवधि बढ़ा सकती है। ये जो पूरा मामला है, ये मामला शुरू हुआ था निगम में एक घटना को लेकर। जो नगर निगम के आयुक्त थे उन्होंने सरकार को शिकायत की थी कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर सरकार ने जो उप निदेशक रेणु खंडेलवाल है उनसे जांच करवाई। उस जांच के आधार पर 7 जून को देर रात आदेश जारी कर जो तत्कालीन महापौर है थी उस समय सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित किया गया था। अभी इस मामले में आगे जो है न्यायिक जांच चल रही है, तो उनके निलंबन के आदेश में भी ये लिखा गया है कि सरकार न्यायिक जांच कराना चाहती है, न्यायिक जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए उन्हें निलंबित किया गया था। और न्यायिक जांच अभी लगातार चल रही है। ठीक अभिषेक, क्योंकि ये न्यायिक जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और क्योंकि वो सौम्या गुर्जर जो है वो महापौर थी, मेयर थी, लेकिन क्या कार्यवाहक के तौर पर ही अब शील धाबाई काम करेंगी, या अगर उन्हें परमानेंट करना हो, महापौर बनाना हो, तो क्या वो प्रोसेस रहता है उसके लिए? कार्यवाहक महापौर के लिए जो समय की अवधि बढ़ाई गई कार्यकाल की, उसमें स्पष्ट कहा गया है 60 दिन या राज्य सरकार के अग्रिम आदेश तक। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सौम्या गुर्जर के पक्ष में आता है तो जो है अगर उनके पक्ष में आता है और निलंबन को अगर सुप्रीम कोर्ट सही नहीं मानता है तो सौम्या गुर्जर वापिस काबिज होंगी। और जो ये कार्यवाहक महापौर का जो है मामला, इसमें सरकार के पास अधिकार है कि वो समय समय पर इसको बढ़ा सकती है। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सरकार चाहे तो लगातार जो है हर जब भी 60 दिन पूरे हो तो इस तरह से बढ़ा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।